सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं कि अपने नाम को इस प्रकार से कैसे बना सकते हो। यह काफ़ी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको किस प्रकार से बनाते हैं ये वो क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं। और बहुत सारे लोग इस फोटो को देखे होंगे लेकिन इसको किस प्रकार से बनाते हैं उनको पता नहीं है, तो वो उसका वीडियो मैं आज लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं इस जुरासिक लिखा हुआ है तो इसमें अपना नाम भी लगा सकते हो। बहुत सारे इसमें मैंने बनाया है, तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड भी किस प्रकार से करते हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। सिंपली आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल में आपको जब भी आप लोग बैकग्राउंड लेना चाहते हो वो आप लोग ले सकते हो। जैसे कि हम ले लेते हैं नेचुरल रिवर बैकग्राउंड, ये लेकर हम यहां से सेव कर देंगे। यहां पे आपको कई सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग चाहोगे तो कहीं से भी कोई भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप लोग अपना लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूं और इसको यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका जो ये फ़ोटो है गैलरी में चला जाएगा, तो गैलरी में हम जाकर देखेंगे कि ये मेरा पिक आया कि नहीं। सो मेरा पिक आ चुका है, हमने डाउनलोड कर लिया है। तो ये इसको आपको किस प्रकार से इसमें लगाना है तो वो आप लोगों को आपको बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना काफ़ी ज़रूरी है जिसका नाम है पिक्सल लैब। वहाँ पर आप लोगों को ये फॉन्ट देखने को मिलेगा जो कि हम लोग बना कर दिखा देते हैं आपको। यहाँ से सेंड करना है और यहाँ पे नीचे आपको पिक्सल लैब देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हम पिक्सल लैब में एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का परमिशन मांगेगा, आपको सेव कर देना है। यहाँ से आप लोगों को इसमें जाना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद डबल टैप करोगे तो यहाँ पर आपको लिखने के लिए ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर आप जो भी अपना नाम या फिर कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। नाम डालने के बाद यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिखा जाएगा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको पिक साइज कर लेना है इसको इस प्रकार से। अब इस प्रकार से करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इधर नीचे आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको एक फॉन्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका फॉन्ट है जो कि अवेलेबल पहले से रहता है, और माई फॉन्ट जो है यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने पिछले वीडियोज बना रखा है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड ये देख सकते हो काफ़ी सारे फॉन्ट है, तो हमको ये वाला जो अर्बन जंगल डेमो है उसको हम ले लेना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ये आप लोग को आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। आप तो और भी फॉन्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आपको एक शैडो का ऑप्शन देगा, शैडो में चले जाना है और इनेबल इसको कर देना है। इनेबल करने के बाद नीचे जो आपको ऑफसेट वाला ऑप्शन है इसको इधर साइड करो, तो इसका जो सेटअप है ये पीछे साइड में जिस साइड कर सकते हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद नीचे जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन में हम चले जाएंगे। यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपका जो ऊपर का जो वो शैडो होता है वो नीचे दिखने को लगेगा, तो यहाँ पे पानी में आपको काफ़ी ख़तरनाक देखने में लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। अब करना क्या है, यहाँ पे आप लोग कलर भी इसका चेंज कर सकते हो इसमें। जैसे कि कलर है तो यहाँ पे आप कोई भी कलर बना सकते हो, इस प्रकार का रेड बना सकते हो, ग्रीन बना सकते हो, येलो बना सकते हो, ब्लैक बना सकते हो, वाइट बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। और इसको बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरी है जिसका नाम है पिक्सल लैब, तो उसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। तो कौन सा है, तो उसमें हम प्ले स्टोर में जाकर इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये कैसा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, गूगल प्ले खोलना है, यहाँ पे पिक्सल लैब लिख लेना है। पिक्सल लैब में आने के बाद ये देख सकते हो अभी 5 लाख मतलब लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों को भी कर लेना है। एंड डाउनलोड तो हो चुका है 100 मिलियन से प्लस है, उससे ज़्यादा किया हुआ है। एंड ये आप लोग भी कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा फोटो एडिटिंग बना सकते हो। बाकी बता रहा, वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना एंड वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों से यही उम्मीद रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।